आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे फ्री के फर्टिलाइजर की जो सबके किचन में अवेलेबल होता है और हम इसे उसे वेस्ट समझ के थ्रो कर देते हैं। वो क्या होता है, जब हम दाल चावल सॉक करते हैं और दाल चावल को धोते हैं तो उसका जो वाटर होता है वो हमको लगता है कि वेस्ट है, जबकि वो वेस्ट नहीं होता है। उसको आप लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने दाल चावल वाला ही पानी है। इसके साथ ही जो भी वेजिटेबल आप वॉश करते हैं उस पानी को भी आप कलेक्ट करके रखें, वो भी आपका लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। इस फर्टिलाइजर को आप कोई भी आपके जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जब फ्लावर आने वाले होते हैं, या मनी प्लांट अगर आपको बिग लीव्स चाहिए उसकी, तो आप और इसके साथ ही आप दूसरे प्लांट्स में भी इसको इस तरह से पोर कर सकते हैं। ये देखिए, तो अब जो भी आपको इस तरह से दाल चावल का पानी होता है उसे स्टोर करके रख ले। आप उस टाइम यूज़ नहीं कर सकते तो आप नेक्स्ट डे उसको यूज़ कर लें, आपको 2 दिन बाद यूज़ कर लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट वो और ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन आ जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा फर्मेंट होता जाएगा। तो इसी तरह से आप पानी भी सेव कर सकते हैं और प्लांट को बिना कंपोस्ट बनाए आप फ्री का फर्टिलाइजर दे सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक और फर्टिलाइजर आपको बताती हूँ, यह है बनाना पील। बनाना पील कि जो पीसेस करके मैंने इसको पानी में सोक करके रख दिया है। ऐसे ही जब भी आप बनाना खाएं उसकी जो छिलकों को थ्रो ना करें और पानी में एक बॉक्स में भर के रख लें। उसको 2 या 3 दिन तक आप बॉक्स में रखें, जब उसका पानी का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो आप उसको फ्लावर्स वाले प्लांट में या दूसरे प्लांट में, वेजिटेबल्स वाले प्लांट में डाल दें। ये जो होता है छिलका बनाना का, ये पोटेशियम रिच होता है, तो इससे आपके प्लांट्स को पोटेशियम मिल जाएगा, मतलब फ्री का फर्टिलाइजर मिल रहा है यहाँ पे भी। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, ये जो ऑरेंज पील होती है, ऑरेंज पील को भी आप इस तरह से पानी में रख दें और आप इसको जब भी अपने प्लांट्स में डालें, लेकिन इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये एसिडिक होता है, तो आपको वही प्लांट्स में डालना है जिनको एसिड सॉइल पसंद है, एसिड नेचर पसंद है। जैसे कि रोज़, रोज़ में जब फ्लावरिंग आती है उससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो जाती है। अभी रोज़ में बर्ड्स दिख रहे होंगे आपको कि रोज़ में बर्ड्स आ रही है, तो अभी इसको न्यूट्रिशंस ज़्यादा चाहिए और ये एसिड लविंग प्लांट है। इसी तरह से हाइबिस्कस भी एसिड लविंग प्लांट है, तो मैं इसमें ये वाला पानी प्लांट्स में डालती रहूँगी। इसके अलावा आप और भी जो किचन वेस्ट होता है, अनियन पील, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आप किचन वेस्ट है अगर आप उसको कंपोस्ट नहीं बना पा रहे हैं और आपके प्लांट्स को फर्टिलाइजर चाहिए, तो आप इस तरह से उसको वाटर में सोक करें 2-3 दिन के लिए। जब वाटर का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो आप पानी में फिल्टर करके डाल दें। यह आपके प्लांट्स को कुछ भी हार्म नहीं करेगा और आपके जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो और इंक्रीज हो जाएगी। ओके, बाय।